हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MH360। सो फ्रेंड्स, आजकल जैसे कि हर हफ्ते हर महीने न्यू मोबाइल फोन मार्केट में आ रहा है। एंड गाइस, यहां पर हर एक कंपनी, मतलब जब भी कोई न्यू मोबाइल फोन लेके आता है मार्केट में, एंड हर एक कंपनी का यही कोशिश रहता है कि मतलब कम से कम प्राइस रेंज में अच्छे से अच्छा स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स कस्टमर को प्रोवाइड किया जाए। एंड गाइस, मार्केट में जब भी कोई नया नया फोन आता है तो हम लोग का दिमाग में यही ख्याल आता है, हम लोग जो मोबाइल फोन यूज करते हैं उसको क्यों ना चेंज किया जाए या कोई दूसरा मोबाइल फोन उसमें से परचेस किया जाए। एंड गाइस, जब भी दिमाग में ये ख्याल आता है कि हम लोग कोई नया मोबाइल फोन परचेस करेंगे या हम लोग का मोबाइल फोन को चेंज करेंगे, तो कौन सा मोबाइल फोन परचेस करेंगे एंड उसमें से कौन सा बेहतर होगा हम लोग का बजट के अनुसार, तो गाइस आज का इस वीडियो में ऐसे 3 मोबाइल फोन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा जो कि बेस्ट 3 मोबाइल फोन्स अंडर 15,000। सो गाइस, अगर आप सोच है आपको एक मोबाइल फोन परचेस करना है एंड आपका बजट 15,000 है, तो गाइस इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहिए, क्योंकि गाइस इस वीडियो में आगे जाके मैं ऐसे 3 मोबाइल फोन के बारे में बताऊंगा जो कि बेस्ट 3 मोबाइल फोन्स। एंड गाइस, ये जो 3 मोबाइल फोन के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा वो मैं ऐसे ही आप लोगों को नहीं बताऊंगा, उस जो जो मोबाइल फोन में मेरे लिस्ट में शामिल किया हूँ वो हर एक मोबाइल फोन को मैं सिलेक्ट किया हूँ मेरे लिस्ट में कुछ स्पेसिफिकेशन, कुछ स्पेशल स्पेसिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए मेरे लिस्ट में मैं वो सब मोबाइल फोन शामिल किया हूँ। तो गाइस, ये मोबाइल फोन क्या क्या है, वो सब मोबाइल फोन के स्पेसिफिकेशन क्या है एंड प्राइस क्या क्या है, एंड जो भी प्राइस होगा वो अंडर 15,000 होगा। सो गाइस, ये कंप्लीट जानने के लिए आप लोग वीडियो को जरूर एंड तक देखते रहिए। एंड गाइस, अगर आप चैनल पे न्यू हैं एंड अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड उसके साथ आपको जो बेल आइकन दिखाई देगा उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि गाइस आने वाले हर एक इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहां पर नंबर 3 में जो मोबाइल फोन है वो है कि पोको M2 Pro। तो गाइस, इस मोबाइल फोन का प्राइस है 13,999। एंड गाइस, इसी प्राइस रेंज में आपको और बहुत सारा मोबाइल फोन देखने को मिलेगा, लेकिन गाइस मैं इसी मोबाइल फोन को पोको M2 Pro को मेरे लिस्ट में मैं शामिल किया हूं क्योंकि कुछ स्पेशल स्पेसिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए। तो गाइस, ये स्पेसिफिकेशन क्या है चलिए एक बार देख लेते हैं। तो गाइस, इस मोबाइल फोन में आपको रैम, अगर रैम के बारे में बात करें तो गाइस यहां पर आपको 6GB रैम देखने को मिलेगा। एंड गाइस, इंटरनल स्टोरेज के बारे में बात करें तो गाइस यहां पर आपको 64GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। एंड गाइस, अभी अगर बात करते हैं इस मोबाइल फोन के कैमरे के बारे में तो गाइस यहां पर आपको 48MP, 8MP, 5MP एंड 2MP का रियर कैमरा देखने को मिलेगा। एंड गाइस, फ्रंट कैमरा में गाइस यहां पर आपको 16MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। सो गाइस, यहां पर देखिए अभी जो नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन है वो है कि बैटरी बैकअप, जो कि हर एक मोबाइल फोन का बेसिक रिक्वायरमेंट होता है। तो गाइस, इस मोबाइल फोन में आपको 5000mAh का बैटरी बैकअप मिल रहा है। तो कि गाइस, हर एक मोबाइल फोन में जो भी आप मोबाइल फोन परचेस करेंगे, जो भी मोबाइल फोन आप परचेस करें उसमें बेसिक मतलब मिनिमम बैटरी बैकअप 4000mAh का होना चाहिए, लेकिन गाइस इस मोबाइल फोन में आपको 5000mAh का बैटरी बैकअप मिल रहा है। एंड गाइस, नेक्स्ट जो स्पेसिफिकेशन है वो है कि इस मोबाइल फोन की स्क्रीन। तो गाइस, इस फोन में आपको 6.6 इंच का फुल HD+ स्क्रीन देखने को मिल रहा है। एंड गाइस, नेक्स्ट एंड लास्ट जो स्पेसिफिकेशन है इस मोबाइल फोन में वो है कि गाइस इस फोन का प्रोसेसर। सो गाइस, इस फोन में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G का प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। एंड गाइस, आप जब भी कोई मोबाइल फोन परचेस करेंगे तो आपको कुछ ध्यान में रख कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट ध्यान में रखते हुए परचेस करना चाहिए, जैसे कि प्रोसेसर हो गया या रैम हो गया या इंटरनल स्टोरेज हो गया, कुछ ऐसे बेसिक रिक्वायरमेंट देखते हुए आपको परचेस करना चाहिए। तो गाइस देखिए, इसी प्राइस रेंज में 13,999 में इसी प्राइस रेंज के अंदर में आपको और एक मोबाइल फोन देखने को मिलेगा जो कि रेडमी नोट 9। लेकिन गाइस, मैं उस मोबाइल फोन को रेडमी नोट 9 को मैं लिस्ट में नंबर 3 में शामिल नहीं किया हूं क्योंकि कुछ डिफरेंसेस है पोको M2 Pro के साथ, जैसे कि रैम का, कैमरा का कुछ डिफरेंसेस है, इसीलिए मैं रेडमी नोट 9 को मेरे लिस्ट में शामिल नहीं किया हूं। सो फ्रेंड्स, यहां पर नंबर 2 में जो मोबाइल फोन है वो है कि Realme Narzo 20 Pro। एंड गाइस, इस मोबाइल फोन का भी प्राइस 13,999 है, लेकिन गाइस मैं इसी मोबाइल फोन को Realme Narzo 20 Pro को मेरे लिस्ट में मैं क्यों शामिल किया हूं, कुछ स्पेशल स्पेसिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए, चलिए एक बार स्पेशल वो स्पेसिफिकेशन क्या है देख लेते हैं। तो गाइस, इस मोबाइल फोन में आपको रैम देखने को मिलेगा 6GB रैम, एंड इंटरनल स्टोरेज के बारे में बात करते हैं इस मोबाइल फोन में आपको 64GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। एंड गाइस, अभी अगर बात करते हैं कैमरा के बारे में तो गाइस यहां पर आपको इस मोबाइल फोन में 48MP, 8MP एंड 2MP एंड 2MP कैमरा देखने को मिलेगा एज ए रियर कैमरा। एंड गाइस, अभी अगर फ्रंट कैमरा के बारे में बात करते हैं इस फोन में भी आपको 16MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। एंड गाइस, अभी अगर नेक्स्ट जो फीचर है स्पेसिफिकेशन है वो एक स्क्रीन। तो गाइस, इस मोबाइल फोन में आपको 6.5 इंच का फुल HD+ स्क्रीन देखने को मिलेगा। एंड गाइस, अभी जो नेक्स्ट जो स्पेसिफिकेशन है वो है कि बैटरी बैकअप, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट होता है हर एक मोबाइल फोन में। तो गाइस, इस मोबाइल फोन में आपको 4500mAh का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। एंड गाइस, नेक्स्ट एंड लास्ट जो फीचर्स है वो है कि इस मोबाइल फोन का प्रोसेसर, जो कि इस मोबाइल फोन को मेरे लिस्ट में शामिल करने का एक इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि गाइस इस मोबाइल फोन में आपको MediaTek Helio G95
प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही दमदार है एंड इस मोबाइल फोन का जो कि वैल्यू बढ़ा देता है। इसीलिए गाइस इस मोबाइल फोन को मैं मेरी लिस्ट में नंबर 2 में शामिल किया हूं। सो फ्रेंड्स इवन नंबर 1 में जो मोबाइल फोन है मेरी लिस्ट में वो है कि वन एंड ओनली रियलमी 7। तो गाइस इस मोबाइल फोन का जो प्राइस है वो है कि 14999। तो गाइस देखिए इसी प्राइस रेंज में 14999 इसी प्राइस रेंज में आपको और बहुत सारे मोबाइल फोन देखने को मिलेगा। लेकिन गाइस मैं इसी मोबाइल फोन को रियलमी 7 को मेरे लिस्ट में नंबर 1 में शामिल किया हूं कुछ स्पेशल स्पेसिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए इस मोबाइल फोन का। तो गाइस देखिए ये स्पेसिफिकेशन क्या क्या है तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो गाइस इस फोन में आपको 6GB का रैम देखने को मिलेगा एंड गाइस अगर आप इंटरनल स्टोरेज के बारे में बात करें तो गाइस इस मोबाइल फोन में आपको 64GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। एंड गाइस अभी अगर हम लोग बात करें तो कैमरा के बारे में तो गाइस इस मोबाइल फोन में आपको 64MP एंड 8MP एंड 2MP एंड 2MP का रियर कैमरा देखने को मिलेगा। एंड गाइस अगर अभी हम लोग बात करें फ्रंट कैमरा के बारे में तो गाइस इस मोबाइल फोन में भी आपको 16MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। एंड गाइस यहां पर जो नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन है वो है कि बैटरी बैकअप। तो गाइस आप जब भी कोई मोबाइल परचेस करेंगे तो आपका मोबाइल में मिनिमम 4000mAh का बैटरी बैकअप होना चाहिए। लेकिन गाइस यहां पर इस मोबाइल फोन में रियलमी 7 में आपको 5000mAh का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। एंड गाइस नेक्स्ट जो है इसका स्क्रीन, तो गाइस यहां पर आपको 6.5 इंच फुल एचडी प्लस स्क्रीन देखने को मिलेगा। एंड गाइस यहां पर नेक्स्ट एंड लास्ट जो स्पेसिफिकेशन है जिसके लिए गाइस मैं इस मोबाइल फोन को रियलमी 7 को मेरे लिस्ट में नंबर 1 में शामिल किया हूं वो है कि इसका प्रोसेसर। तो गाइस यहां पर इस मोबाइल फोन में आपको मीडियाटेक हेलियो का G95 प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि इस मोबाइल फोन का खासियत बढ़ा देता है इस प्राइस रेंज के अंदर में। तो इसीलिए रियलमी 7 को मैं मेरे लिस्ट में नंबर 1 में शामिल किया हूं इसका प्रोसेसर, रैम, इंटरनल स्टोरेज एंड कैमरा, बैटरी बैकअप ओवरऑल देखते हुए ध्यान में रखते हुए इस मोबाइल फोन को मैं मेरे लिस्ट में नंबर 1 में शामिल किया हूं। सो गाइस फाइनली इसमें से कौन सा मोबाइल फोन आपको अच्छा लगा, ज्यादा बेहतर लगा, किसका स्पेसिफिकेशन कैसा है, पोको M2 प्रो या रियलमी नार्जो 20 प्रो या रियलमी 7, इसमें से कौन सा मोबाइल फोन आपको पसंद आया या किसका स्पेसिफिकेशन कैसा है जरूर आप लोग कमेंट करके लिखिएगा गाइस। एंड गाइस अगर इसी प्राइस रेंज में अंडर 15,000 में आप ये तीनों मोबाइल छोड़ के या कोई दूसरा मोबाइल या कोई और मोबाइल आपका दिमाग में आपका ख्याल में आता है कि बेहतर है अंडर 15,000 में, आप लोग जरूर कमेंट करके लिखिएगा गाइस। सो गाइस फाइनल वीडियो आपको कैसे लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा गाइस। एंड गाइस जाते जाते गाइस अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड उसके साथ जो बेल आइकन दिखाई देगा गाइस उसको प्रेस करना ना भूले ताकि गाइस आने वाले से हर एक इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।